वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेलाइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए असलमेर बहनों और भाइयों क्या हाल चाल है उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे अपने घरों में आबादो शाद और खुशो होंगे अल्लाह ती आपको इसी तरह बादशाद और, और खुश वक्रम रखे अल्लाह तौल की मेहरबानी और करम और दुआ से पाचतन पाक की दुआ से आप सब बहन भाइयों की दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक है और अल्लाह ताला आपको आपके माँ बाप को बीवी बच्चों को बहन भाइयों को सब को लंबी से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे और जिनके वालदेन वफ़ात का पा चुके हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत अफरद में आला मुकाम अता करे उनकी बख्शिश फरमाए और जिस मेरे बहन भाई के वालदान बीमार हैं अल्लाह ताला उनको से तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे अपने बच्चों के सरो पर सदा सलामत रहें और जिस मेरे बहन भाई का कारोबार नहीं अल्लाह ताला उसको कारोबार रोज़गार अता करे और जिस मेरे बहन भाई का कारोबार डाउन जा रहा है अल्लाह ताला उसके कारोबार को दिन दो रात चौगनी तरक्की अता करे अल्लाह ताला कदम कदम पर आपकी हिफाजत फरमाए अल्लाह ताला आपको अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे और अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ खाच पूरी करे जो मेरे मुल्क से बाहर बहन भाई गए हैं वो खैर वीरियत से गए हैं खैर वीरीत से अपने माँ बाप बीवी बच्चों और बहन भाइयों में वापस आएं जिस मकसद के लिए वो गए हैं अल्लाह ताला उनका मकसद पूरा फरमाए आमीन इसी दुआ के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं जी तो मैं आपके लिए औलिया कराम खासकर सिद्ध कराम के शजरा मुबारक लेकर हाज़िर होता हूँ तो आ, आ, फिर एक सवाल का जवाब देते हैं जी एक मेरे भाई ने सवाल किया जी मेरे वीर शजरा दूसरों को मत दिखाया करें तो मेरे भाई मेरी बात सुने ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना ये सदात की भलाई के लिए कर रहा हूँ तो क्योंकि कुछ सदात हकीकी सदात दूसरों की नहीं दो, दो नंबर बनते हैं तो उनकी बात नहीं कर रहा तो जो असल सदात हैं ना उनको भी मुझ, बहुत मुश्किलें पेश आ रही हैं अपने शजरा मुबारक तलाश करने में तो उन्होंने उनके बड़ों ने तो ए, मेरा ख्याल है कि उच्च शरीर में दर्ज भी नहीं करवाए हुए नाम अपने तो उनके लिए ये आसानियाँ पैदा कर रहा हूँ कि वो उनके बड़ों ने जो नाम उनको दिए हुए हैं ना तो उनमें से कोई भी नाम उनमें से जो नाम लिखे हुए हैं ना वो मेरे किसी भी वीडियो के साथ मैच कर जाएँ ताकि उनको अपना शजरा मुबारक तलाश करने में आसानी हो सके और किसी को कहते हैं ना नेकी का राह सीधा रास्ता दिखाना भी एक नेकी है तो मैं उनको अपने उनके बड़ों के बारे में सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूँ कि अपने बड़ों के बारे में उनको रास्ता नज़र आ जाए और अपना शजरा तलाश करने में उनको आसानी हो सके तो मैं कैसे ये छोड़ दूँ कि नहीं जी अब मैंने अब शजरा मेरे पास है तो मैंने किसी को नहीं दिखाना या मैं शजरे नहीं मैंने नहीं अपलोड करने तो ये तो खुद गर्जी होगी ना तो ये तो अक्का पाप कभी खुद गर्जी नहीं की किसी के साथ तो वो तो जो भी सवाल जो भी बात होती थी वो बता देते थे तो हम भी अगर उनके कहने पर हम पहले नंबर तो पर तो चलते ही नहीं हैं तो अगर उनके कहने पर चले ना तो कभी भी हमें मुश्किलें पेश ना आए और जो भी मुश्किलें पेश आती हैं ना ये हमारी गलतियाँ कोताही की वजह वजह से आती है हम अपने एक जैसे हम हमारी बरदरी सादात बरदरी है हम अपनी सदात बरदरी की मदद नहीं करेंगे ना तो फिर हमारा क्या फ़ायदा तो आप सदात बरदरी क्या पूरी इंसानियत की मदद करना ये फ़र्ज़ है तो जब आका पाक का ज़माना था तो वो तो काफ़र की भी मदद करते थे तो वो भी का, काफ़र भी आपको मानते थे तो मैं कैसे ये छोड़ दूँ कि ये मैं कहूँ कि मैं अब बस मुझे खुद गर्दी है मेरे पास अजरा है मैं इनको ना दिखाऊँ मेरे भाई ऐसा मत सोचें ये आज कल की सोच नहीं है ये उस जमाने की भी सोच नहीं है आपका पाक की भी सोच नहीं है कि जो कुछ आपके पास है आप जखीरा करके रख लें दुनिया को पता ना चले तो आप दुनिया को पता चलना चाहिए आप किसकी औलाद हैं और कहाँ से आपका शजरा चला है और कहाँ तक आया है तो आप कौन सी नस्ल में से आए हैं जैसे कि मेरे मेरी नस्ल इकतालवी नस्ल है मैं मौला अली की इकतालवी नस्ल हूँ तो आपको भी अप, अपने जितने भी सादात हैं उनको पता होना चाहिए कि हम मौला अली की कितनी नस्ल हैं तो इस तरह जो है ना वो अच्छा अच्छा लगता है प्यार बढ़ता है जो सदात बराती है रहे है ना वो आपसे प्यार करेगी फिर तो एक मेरे भाई ने इसी तरह कमेंट किया था कि जो अमाल होते हैं ना वो आप सिर्फ अमाल पर जो है ना वो जन्नत दोजग मिलेगा शजरा ने सब देख कर ज़ात देख कर पहचान नहीं होती तो मेरे भाई सदात एक बात आपको बता दूँ सदात का खून जो है ना वो मैं आपको क्या बता सकता हूँ के देखें एक आम इंसान आम जो सैद से, नहीं है वो इलम के खाते में पड़ जाए ना तो उसको सालों लगेंगे तो उसके मुताबिक उसके जल मसलम के उसके ब, मताब, ब, बराबरी में एक सैद को इलम जो है ना जहरूहानी इलम की तरफ उनको उसको शुरू करा दें तो उसको चंद मसलन के चंद दिन चंद दिन चंद महीने लगेंगे कामयाबी हासिल करने में तो फिर खून का असर ना हुआ तो क्या वो वहाँ पर अपने खून को पहचानेंगे नहीं ये भी तो है ना माल तो देखे जाएंगे तो बाकी ये भी है ना खून का भी असर होता है तो जो खून होता है ना वो रंग दिला दिखाता है तो जैसे कि महफिल में बैठे हुए जो अच्छा खून होगा ना वो अपनी रंग दिखाएगा और जो बुरा खून होगा ना वो बुरी बात करके ही अपना जो है ना वो रंग दिखाता है तो ये कभी भी गलत मत सोचें तो अच्छे खून की पहचान यही होती है कि जो अच्छा माँ बाप का अच्छा पिछो पिछला ख़ानदान अच्छा होगा तो वो अच्छा ही सोचेगा तो जिसका ख़ानदान शक्की बुरा तो वो बुरा ही सोचेगा ना जैसे कि आका पाक के ज़माने की एक बात है कि एक बंदा आया वो कहता है जी आपकी पूरी उम्मत जो है ना वो खराब हो चुकी है आका पाक ने कहा ठीक है तो एक फिर आ गया उसने कहा जी आपकी आधी उम्मत ठीक है आधी गलत हो चुकी है उन्होंने कहा फिर भी ठीक है और एक बाद में आया उसने आके कहा कि आपकी पूरी उम्मत ठीक है तो सब आपने कहा ठीक है तो सबक राम ने पूछा सरकार ये क्या बात हुई पहले ने भी ये बोला ख़राब हो चुकी है तो आपने कहा ठीक है दूसरे तो ने कहा आदि ठीक है आदि गलत है आपने कहा ठीक है तो तीसरे ने कहा कि आदि आपकी सारी उम्मत ठीक है तो आपने फरमाया कि जो जिसना जितना ज़रफ़ रखता है जो उसके कून का कमाल है वही बताएगा ना पहले का जो है ना वो उसके दिल में बुगस था उसके खून में कमी थी तो उसको पूरी अपने जैसी नजर आई क्योंकि वो अंदर से ठीक नहीं था तो उसको ये नज़र आया कि सारी उम्मत ही खराब है मैं ख़राब हूँ तो सारी उम्मत खराब हो चुकी है तो दूसरे को ये नज़र आया कि मैं ये आधा मैं ठीक हूँ आधा इस तरफ था आधा उस तरफ था और तीसरा जो आया था ना वो पूरी तरह ठीक था दीन के मामले में तो उसको यही नज़र आता था कि मैं ठीक हूँ तो सब ठीक है तो मेरे भाई खून का बड़ा कमाल होता है तो आप ये बात मत करें अमाल तो सब के देखे जाएंगे बाकी यह भी है कि खून का भी कमाल होता है तो ये थी छोटी सी बात तो आज जो शजर मुबारक लेकर आपकी ख़िदमत में हाजिर हुआ हूँ यह है जी सैयद अब्दुल्ला गिलानी सैयद अब्दुल कादर जिलानी तो सैयद अब्दुल का शजरा इस तरह से है सैयद अब्दुल कादर जलानी सरकार सैयद अब्दुल कादर जलानी सरकार के बेटे सैयद अब्दुल रज़ाक सैयद अब्दुल रज़ाक के बेटे सैयद अबू अबूसालिया नसर सैयद अबू अबूसालिया नसर के बेटे सैयद शहाबुद्दीन अहमद सैयद शहाबुद्दीन अहमद के बेटे सैयद शरफुद्दीन याया सैयद शरफुद्दीन याया के बेटे सैयद शमसुद्दीन सैयद शमसुद्दीन के बेटे सैयद अलाउद्दीन अली सैयद अलाउद्दीन अली के बेटे सैयद बद्रुलद्दी सैयद बद्रद्दीन के बेटे सैयद शरफुद्दीन सैयद शरफुद्दीन के बेटे सैयद शरफुद्दीन कासिम सैयद शरफुद्दीन कासिम के बेटे सैयद अहमद सैयद अहमद के बेटे सैयद हुसैन सैयद हुसैन के बेटे सैयद अब्दुल सैद सैयद अब्दुल अब्दुलबास के बेटे सैयद अब्दुल सैयद अब्दुल अब्दुल्कर के बेटे सैयद महमूद सैयद महमूद के बेटे सैयद अब्दुल्ला गिलानी फिर दोबारा पढ़ देता हूँ सैयद अब्दुल अब्दुलकादर जिलानी सरकार इनके बेटे सैयद अब्दुल रज़ाक सैयद अब्दुल रज़ाक के बेटे सैयद अबूसालिया नसर सैयद सैद अबूसालिया नसर के बेटे सैयद शहबुद्दीन अहमद सैयद शहबुद्दीन अहमद के बेटे सैयद शरफुद्दीन याया सैयद शरफुद्दीन याया के बेटे सैयद शमसुद्दीन सैयद शमसुद्दीन के बेटे सैयद अलाउद्दीन अली सैयद अलाउद्दीन अली के बेटे सैयद बदुरुद्दीन सैयद बदरुद्दीन के बेटे सैयद शरफुद्दीन सैयद शरफुद्दीन के बेटे सैयद शरफुद्दीन कासम सैयद शरफुद्दीन कासम के बेटे सैयद अहमद सैयद अहमद के बेटे सैयद हुसैन सैयद हुसैन के बेटे अब्दुल बासित, सैयद अब्दुल बासित के बेटे सैयद अब्दुल्का सैयद कादर के बेटे सैयद महमूद सैयद महमूद के बेटे सैयद अब्दुल्ला गिलानी यह था शजरा मुबारक जो आपके गोश गुजार कर दिया इसी के साथ इजाजत दें फिर दोबारा नए नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा हाफिज़